तो इन द लास्ट टू सेशंस हम लोग ने देखा था हाउ टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ बेस प्लेट, हाउ टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ अ बेस प्लेट एंड हाउ टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ बेस प्लेट डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल सेक्शन। ये वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर द कनेक्शन पार्ट। ओके, कनेक्शन कौन सा? तो देखो, देयर विल बी अ टू टाइप ऑफ अ कनेक्शन, दैट इज अ सिंगल शेयर वाला एंड एक डबल शेयर वाला। कैसे इधर रहेगा देखो, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखो, आई डील विद द फर्स्ट सेक्शन। देखो, ये जो आपका फ्लैंज है आई सेक्शन का एंड ये जो आपका गसेट प्लेट है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होने वाला है। सो इफ इट इज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर सेक्शंस, तो इधर जो बोल्ट रहेगा, ओके, दैट पर्टिकुलर बोल्ट विल बी इन अ सिंगल शेयर। ओके, एंड उसके बाद देखो, ये जो आपका कनेक्शन है नेक्स्ट, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर आई एस ए, योर प्लेट एंड योर फ्लैंज। ओके, इन तीनों के बीच में से, मतलब इफ यू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर बोल्ट्स, इधर और इधर जो बोल्ट्स है, ओके, ये जो बोल्ट्स है इनमें जो कनेक्शन होने वाला है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रोडक्शन से। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ डबल शेयर पार्ट। ये सिंगल शेयर कैसे, डबल शेयर कैसे, देखो उसके लिए फिर से हम लोग एक बार डायग्राम देखते हैं जो हम लोग ने अलग से निकाला था, अलग एंगल से। देखो, आपका प्लेट जो है, दैट इज गसेट प्लेट एंड अ फ्लैंज ऑफ योर आई सेक्शन, इसके बीच में अगर एक बोल्ट लगा रहा हूँ मैं, ये जो आपका बोल्ट है ये रहेगा सिंगल शेयर में। एंड इफ इट इज यू आर प्रोवाइडेड अ बोल्ट बिटवीन योर आई एस ए एंड योर गसेट प्लेट एंड योर फ्लैंज, इसके इधर जो बोल्ट लगेगा, इधर ये जो बोल्ट रहेगा तीन प्लेट के बीच में, दैट इज अ डबल शेयर, एंड दो प्लेट्स के बीच में, तो दो सेक्शंस के बीच में, तो सिंगल शेयर। तो देखो, वही मैंने इधर कंसिडर किया हुआ है। सो एज पर दैट आई हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, उसको लेटर से हम लोग बोलते हैं वी डी बी। स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट विल बी गिवन बाय टू पार्ट फॉर्मूला। पहला जो रहेगा दैट इज अ बेयरिंग फॉर्मूला। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट विल बी गिवन बाय एफ यू बी अपॉन रूट थ्री एन एन इन टू ए एम बी। सो एफ यू बी मतलब इट इज 400 डिवाइड बाय रूट थ्री, एन एन सिंगल शेयर के लिए 1, देन ए एम बी मतलब नेट एरिया ऑफ अ बोल्ट। नेट एरिया ऑफ अ बोल्ट इज गिवन बाय इट इज 0.78 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस एरिया। ये जो है आपका ग्रॉस एरिया, ठीक है। फॉर योर रेफरेंस आई राइट इट डाउन, योर वी डी सॉरी योर ए एन बी इज इक्वल्स टू इट इज 0.78 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस एरिया। ओके, सो नेट एरिया फाइंड आउट करके ले लिया हम लोगों ने, फिर गामा एम बी से डिवाइड कर लिया, इट इज देयर इन द टेबल नंबर 5 इन योर आई एस 800। डिवाइड करने के बाद आई एम गेटिंग वी डी एस बी विच इज 45.27 किलो न्यूटन। सो देखो, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इज 45.27 किलो न्यूटन, किसमें? सिंगल शेयर में। बट इफ इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ डबल शेयर, तो क्या कर देंगे, इधर 1 की जगह 2 लिख देंगे, तो जो होल वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, डायरेक्ट इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 90.54, ये क्या आ गया, मेरा डबल शेयर स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर एंड डबल शेयर स्ट्रेंथ, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टू डिटरमाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ। ना, जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है ना आपका, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी आप फॉर्मूला 2.5 के बी डी टी एफ यू बी अपॉन गामा एम बी। बट ये जो के बी है ये डिपेंड करता है 1, 2, 3, 4, ये जो 4 कॉन्स्टेंट्स है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दिस पर्टिकुलर 4 कॉन्स्टेंट्स आर ई अपॉन 3D0। सो देखो, ई देन पी अपॉन 3D0, दैट इज पी। तो ई और पी निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला विच आर अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला देयर इन अवर आई एस कोड। सो देखो, मिनिमम पिच क्या है, तो मिनिमम पिच कितना, सॉरी मिनिमम ई कितना होना चाहिए, तो मिनिमम ई विल बी गिवन बाय 1.5 टाइम्स ऑफ अ डी जीरो। ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ अ डी जीरो, दैट इज अ डायमीटर ऑफ योर होल। ओके, एंड पी मिनिमम कितना होना चाहिए, तो देखो पी मिनिमम विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ अ डी, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग इट इज एज अ डी जीरो, बिकॉज जितना दो बोल्ट्स के बीच में का पिच बढ़ेगा, जितना स्पेसिंग बढ़ेगा, उतना ही वो सेफ डिजाइन हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको D की जगह D0 कंसिडर कर रहा हूँ। इफ इट इज यू वॉन्ट टू कंसिडर इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ अ डी, यू कैन टेक इट। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, जो मेरा डायमीटर था उसको 1.5 एंड 2.5 से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ कर लिया। तो देखो, इसमें E जो 33 mm था 1.5 टाइम्स ऑफ अ D0, उसको राउंड ऑफ मैंने 40 mm ले लिया, एंड P जो 2.5 टाइम्स ऑफ अ D0 था वो 55 था, उसकी जगह मैंने 60 कंसिडर कर लिया। सो 40 और 60 मैंने वैल्यू कंसिडर कर लिया। फिर मैंने क्या किया, तो देखो मैंने इसमें जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज है इसमें जाके सब्सटीट्यूट कर लिए। सो आई एम गेटिंग
first one, which is 0.60, second 0.65, third 0.97, and last one, which is a 1. So KV will be the least of 1, 2, 3, 4. So 4 में से जो least value रहेगा, that is what you can say my KV. So once I decided what is the value of KV, which is the least of 4, that is a 0.6, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं आगे वाले part पे, that is the thickness of a plate. The thickness of a plate, that is 16 mm. तो देखो 16 mm मैंने सब कंसिडर करके आगे का डिज़ाइन कर रहा हूँ, दैट इज टू डिटरमाइन द VDPB. सो VDPB के डिज़ाइन में देखो, इट इज 2.5, 0.6, डी इज यूर 20, टी इज यूर 16, FUB अपॉन गामा MB. ठीक है, ये FUB डिवाइडेड बाय गामा MB को सब्सटीट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग VDPB विच इज 153.6. तो एक टिपिकल प्रॉब्लम में स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर आपको पूछा है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आई स्टार्ट विथ this particular part, that is to determine the VDSB. के बाद क्या करेंगे हम लोग, VDPB निकालेंगे. VDPB के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, that is VDSB and VDPB. So least कौन सा है, that is 45.27, which is actually our VDSB. ठीक है, जो मेरा VDSB था वही मेरा least value है, that is my strength of a bolt. तो मेरा strength of a bolt तो निकल गया. Once I know the strength of a bolt, देखो नेक्स्ट क्या रहता है, तो कनेक्शन. सो इट इज गिवन इन योर IS 800 दैट इन IS 800 दैट कंसिडर एज अ 50% ऑफ अ लोड विल ट्रांसफर टू द कनेक्शन. मतलब जो आपका टोटल लोड आ रहा है ना सेक्शन पे, उसका 50%, सो उसका आधा जो लोड है वो ट्रांसफर होगा किधर, तो कनेक्शन में, मतलब वो बोल्टेड जो कनेक्शन है उसके ऊपर. सो लोड कितने का है, तो 1850, उसका आधा मतलब 50%, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया. फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का ट्राई कर रहा हूँ. तो नंबर ऑफ बोल्ट्स विल बी गिवन बाय, इट इज टोटल लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अ 1 बोल्ट. ठीक है, तो टोटल लोड कितना है, सो इट इज 1850 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट. 1 बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना है, 45.27. ठीक है, तो 45.27 हो गया. तो देयरफॉर प्रोवाइड 22 नंबर ऑफ बोल्ट्स. ठीक है, तो मुझे कितना बोल्ट्स प्रोवाइड करना है, तो 20.43. यू कैन गो विद 21 ऑल्सो और 22 ऑल्सो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट आई विल कंसिडर 22. ठीक है, 21 करोगे फिर भी सेफ ही रहेगा डिजाइन, डोंट वरी अबाउट दैट. सो क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द 22 बोल्ट्स विथ ई विच इज इक्वल्स टू 40 mm एंड पी विच इज इक्वल्स टू 60 mm. तो ये जो है अपने कनेक्शन दे दिया. इसके बाद जो आपको करना है, दैट इज टू ड्रॉ द डायग्राम्स. ठीक है, तो डायग्राम्स कौन से प्रेजेंट करने रहते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग ने देखे थे, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन वाला डायग्राम विच इज दिस वन. ठीक है, देन द सेकेंड डायग्राम विच इज दिस पर्टिकुलर वन, एंड द थर्ड डायग्राम विच इज दिस पर्टिकुलर वन. So that's all about this video. If you have any doubts or suggestions, please drop them in the comments. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.